इस वक्त की सबसे जो बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है वो भारत के क्रूड ऑयल के इंपोर्ट्स को लेकर आ रही है। यानी जो भारत दूसरे देशों से क्रूड ऑयल परचेज करता है, जिसके बाद भारत के अंदर रिफाइन करके उसको पेट्रोल और डीजल में कन्वर्ट किया जाता है, उसको लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। और जो न्यूज आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इसके बाद भारत के कई सारे लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर हमें गालियां भी देंगे और हमारा काफी क्रिटिसिज्म भी करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम रूलिंग पार्टी यानी कि बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट की आलोचना करने वाले हैं और उनका क्रिटिसिज्म करने वाले हैं। क्योंकि जो डेटा भारत के क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स को लेकर आ रहा है, जो भारत के क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स का बिल सामने निकल कर आ रहा है, वो तो कभी झूठ नहीं बोलेगा। भारतीय सरकार ने पार्लियामेंट में एक बहुत ही बड़ी जानकारी दी है, जिसको लेकर मोदी सरकार की आलोचना करना तो बनता ही है। क्योंकि अगर भारत सरकार कोई अच्छा काम करेगी तो उसके लिए तारीफ होनी चाहिए, अगर किसी चीज में फेल होती है तो उसका क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको याद होगा पिछले साल जब रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर स्टार्ट हुआ था, उस समय पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल के प्राइसेस अचानक से बढ़ गए थे, और भारत के अंदर भी भारत की जो ऑयल कंपनीज हैं, उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट का हवाला देते हुए पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस रातों रात बढ़ा दिए थे। और पिछले साल यानी 2022 के मार्च महीने में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस भारत के कई सारे हिस्से में इतिहास में पहली बार 100 रुपए पर लीटर का मार्क क्रॉस कर चुके थे। और पिछले एक साल से न सिर्फ भारत में जो ऑयल कंपनीज हैं उन्होंने प्राइस को बढ़ाया है, बल्कि इसके साथ साथ भारत की कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस के ऊपर वैट्स और अलग अलग तरह के टैक्सेस को बढ़ा दिया है। अब ये चीज तो आपको ही पता होगी कि पिछले साल जब मार्च महीने में यानी साल 2022 के मार्च महीने में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस रातों रात 100 रुपए पर लीटर के मार्क तक पहुंच गए थे, उसके बाद से ही अभी तक भारत में आज भी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस 95 रुपए पर लीटर के आसपास ही हैं। यानी इसमें कोई बड़ी गिरावट बिल्कुल नहीं देखने को मिली है, और ना ही कोई ऐसा आसार लग रहा है कि ये जो भारत की ऑयल कंपनीज हैं, ये भारत में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को नीचे करेंगी और इसमें भारतीय सरकार इंटरवीन करके पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को कम करने के लिए इनको बोलेगी। अब ये चीज मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भारत की जो ऑयल एंड गैस मिनिस्ट्री है, उसने एक डेटा रिलीज किया है। किसी भी फाइनेंशियल ईयर का जो पहला क्वार्टर होता है वो स्टार्ट होता है अप्रैल महीने से, जो कि जून महीने तक चलता है, और इसमें 3 महीने होते हैं, अप्रैल, मई और जून। और साल 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसका जो पहला क्वार्टर है यानी कि अप्रैल से जून तक का भारत के जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स का डेटा है वो रिलीज हो गया है, जो कि रिलीज किया है भारत की ऑयल एंड गैस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का भी स्क्रीनशॉट होगा। दरअसल भारत की ऑयल एंड गैस मिनिस्ट्री ने बताया है कि साल 2023 के पहले क्वार्टर यानी अप्रैल टू जून क्वार्टर में भारत ने क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने के ऊपर $31.4 बिलियन खर्चे थे, यानी $31.4 बिलियन भारत का क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल रहा। जबकि पिछले साल 2022 के अप्रैल टू जून महीने की बात करें तो पिछले साल भारत ने $48.1 बिलियन क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने के ऊपर खर्चे थे। अब ऐसा नहीं कि ये जो प्राइस इस साल कम हुआ है ये वॉल्यूम में कमी आने के कारण घटा है, बल्कि दिक्कत ये है कि ये भारत ने इस साल कम क्रूड ऑयल परचेज किया होगा तो तब जाकर इसमें कमी आई है। बल्कि भारतीय सरकार के डेटा के मुताबिक पिछले साल इस जो पीरियड में भारत ने 60.7 मिलियन मैट्रिक टन क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था, जबकि इस साल भी 60.1 मिलियन मैट्रिक टन क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया गया था। यानी कि जो क्रूड ऑयल की वॉल्यूम है वो लगभग सेम ही है। हुआ ये कि इस साल भारत की ऑयल कंपनीज को क्रूड ऑयल के प्राइसेस के ऊपर रशिया से भारी डिस्काउंट मिला था, जिसके चलते भारत ने पिछले साल के मुकाबले सेम वॉल्यूम के ऊपर काफी कम क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल दिया है, यानी कम पैसे पे किए हैं। और अगर पिछले साल के साथ कंपैरिजन करें तो भारत की ऑयल कंपनीज को 16 से 17 बिलियन डॉलर्स का मुनाफा हुआ है, और ये सारा प्रॉफिट इन्हीं की जेब में जा रहा है। क्योंकि अगर हम पिछले साल के साथ कंपैरिजन करें, पिछले साल के मुकाबले भारत के अंदर पेट्रोल और डीजल प्राइसेस में कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिली है, जबकि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के लिए जो इंपोर्ट बिल था उसमें लगभग 35% की गिरावट देखने को मिली है। इसके साथ ही भारतीय सरकार के डेटा के मुताबिक पिछले साल यानी अप्रैल टू जून 2022 में भारत ने जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था उसका एवरेज क्रूड ऑयल प्राइस $116 पर बैरल रहा था, जबकि इस साल यानी साल 2023 के अप्रैल से जून क्वार्टर में भारत की ऑयल कंपनीज ने क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए $76 पर बैरल दिए थे, यानी कि 35% कम। और आप सोचिए कि क्या पिछले साल के मुकाबले भारत के अंदर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में 30% की गिरावट देखने को मिली भी है? अरे 30% तो छोड़ दो, अगर भारत की ऑयल कंपनीज को इतना बड़ा डिस्काउंट मिल ही रहा है, इतना बेनिफिट हो ही रहा है, तो वो भारत की जो आम पब्लिक है उसको ट्रांसफर क्यों नहीं किया जा रहा है? प्राइस तो पिछले साल जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था उसी समय के लेवल के ऊपर आज भी हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि अगर 35% नहीं तो कम से कम भी भारत के अंदर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में 15 से 20% की गिरावट तो देखने को मिलनी चाहिए थी। और ये ना सिर्फ पेट्रोल और डीजल की बात है, बल्कि नेचुरल गैस को लेकर भी यही कहानी है।
और रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि पिछले साल अप्रैल से जून क्वार्टर में जो इंटरनेशनल मार्केट में नेचुरल गैस का प्राइस था $29 पर MMBTU था, जबकि इस साल 2023 के अप्रैल टू जून क्वार्टर में यही प्राइस $29 पर MMBTU से कम होकर $11 पर MMBTU हो गया है। यानी कि इसमें भी लगभग $18 पर MMBTU की कमी आई है, यानी गिरावट आई है। अब इस वीडियो का तात्पर्य यह है कि जो क्रूड ऑयल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस भारत की ऑयल कंपनीज विदेशों से इंपोर्ट कर रही हैं, उनमें पिछले साल के मुकाबले लगभग 30-40% की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन भारत के अंदर प्राइसेस अभी भी कम नहीं किए गए हैं। और अब भारत की ऑयल कंपनीज को ये सारा बेनिफिट भारत के आम लोगों को ट्रांसफर करने के ऊपर सोचना चाहिए, क्योंकि जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के प्राइसेस अचानक से बढ़ जाते हैं तो ये कंपनीज कुछ हफ्तों के अंदर ही भारत के अंदर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को बढ़ा देती हैं। लेकिन अब जब बात पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस भारत में कम करने की आई है तो इनकी तरफ से कोई भी रिस्पांस देखने को नहीं मिल रहा है, और भारतीय सरकार इस पूरी चीज को लेकर अभी तक बिल्कुल चुप बैठी है और इसमें भारतीय सरकार की कोई भी इंटरवेंशन नहीं है।